हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उसकी पोजीशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी सिस्टम के लिए वो पॉइंट होता है जहां पर उसका सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है, सारा का सारा मास सेंटर्ड होता है। ठीक है, हम लोग आपकी यूनिट सेकंड को पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड का जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो सेंटर ऑफ मास का है और जो अदर पार्ट है वो रिजिड बॉडी का है। ठीक है, तो पहले हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजिशन को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के लिए हमने एक कंडीशन देखी थी कि समेशन ऑफ एम आई आर सी आई इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट होगा जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जिस पॉइंट के लिए, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि ये जो कंडीशन थी इससे हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और इससे हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकाला था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, अब यहां पर हम टू पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं, द्विकर्ण तंत्र ले रहे हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया था कि दो हमारे मास थे और हमने एक मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की स्थिति को ले लिया था। ठीक है, हमने मान लिया था कि ये इससे एक्स डिस्टेंस पे है, उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर लिया था। अब यदि हम डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी मास होंगे, उनके पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हमें गिवन होंगे, जैसे आर वन और आर टू है, और फिर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकालेंगे कि आरसीएम का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, एक जो हमारा स्थिर निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर दो मास गिवन है एम वन और एम टू। ठीक है, इन दोनों मास के जो पोजिशन वेक्टर है, स्थिति सदिश जो है वो क्या है, R1 और R2 है, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर RCM है। ठीक है, तो हम इस RCM का फॉर्मूला निकालते हैं। RCM का जो पोजीशन वेक्टर जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से हम सिस्टम के अंदर RCM को निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये हम किसके लिए ले रहे हैं, द्विकर्ण तंत्र के लिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना किसी निकाय में दो कण स्थित हैं। ठीक है, या दो कणों का कोई निकाय है जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 तथा M2 है। ठीक है, तथा जिनके स्थिति सदिश R1 व R2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आरसीएम है। ठीक है,
तो ये हमारे पास में क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM होगा। और अब अगर द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास हमने क्या ले लिया, RCM लिया है, तो RCM के लिए कंडीशन क्या होती है, क्योंकि समीशन ऑफ MI RCI इक्वल टू जीरो, अतः क्या हो जाएगा हमारे पास में, समीशन ऑफ MI RI इक्वल टू समीशन ऑफ MI RCM। हमारे पास में इक्वेशन क्या थी, समीशन ऑफ MI RI इक्वल टू समीशन ऑफ MI RCM प्लस समीशन ऑफ MI RCI इक्वल, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास में क्या हो गया, समीशन ऑफ MI RCI का मान क्या है, जीरो है, तो समीशन ऑफ MI RCM इक्वल हो जाएगा समीशन ऑफ MI RI के। तो द्विकर्ण के लिए क्या हो गया, द्विकर्ण के लिए समेशन ऑफ I इक्वल टू वन टू n, वन टू टू हो जाएगा, MI RI इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू वन टू n MI RCM, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू वन टू टू MI RI इक्वल टू RCM को हम बाहर ले लें, क्योंकि RCM हमारा क्या होगा, नियत होगा, ठीक है, कांस्टेंट है, ये कोई एक फिक्स पॉइंट होगा। RI तो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, यानी I वन पार्टिकल के लिए हो गया, सेकंड पार्टिकल के लिए हो गया, लेकिन जो हमारा RCM है वो फिक्स है, तो RCM को हमने समीकरण से बाहर ले लिया, तो I इक्वल टू वन टू टू MI, ठीक है, ये क्या आ गया, सम आ गया मास का, यहां तक लिख ले इसको। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। तो हम इसे लिख सकते हैं RCM इक्वल टू समीशन ऑफ I इक्वल टू वन टू टू MI RI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ I इक्वल टू वन टू टू MI, ठीक है, और ये जो हमारा MI RI अपॉन समीशन ऑफ I इक्वल टू वन टू टू MI आया है, इसे हम लिख सकते हैं RCM इक्वल टू एम वन आर वन प्लस का एम टू आर टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है, दो मास है हमारे पास में एम वन और एम टू, और इनके पोजीशन वेक्टर आर वन आर टू है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, यानी द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा उसका फॉर्मूला हो गया एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब यदि हमारे पास में यदि एम वन प्लस एम टू इक्वल टू कैपिटल एम निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान हो, ठीक है, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान हो, तो इसे हम लिख सकते हैं RCM इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है, ये हमारे पास में क्या जाएगा RCM का फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ठीक है, इसको हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो ये होगी, ठीक है। ये हमने किसके लिए किया है, द्विकर्ण तंत्र के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो यहां पर अपने पास में एम वन आर वन प्लस का एम टू आर टू अपॉन एम है,
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी पोजिशन वेक्टर्स होंगी R1, R2, यानी हम अगर बात करें जो हमारा स्थिति सदिश है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए, जैसे मान लो हमें इसके कुछ पॉइंट्स गिवन हो 1, 2, 3, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, ऐसे ही सिंपली लिख रहे, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका आई केप, 2J केप, 3K केप, इसका 2I केप, 3J केप प्लस 4K केप, तो हम इसको R1 और R2, और अगर हमें इनके मास गिवन हो जैसे 2 और 3 है, तो इस फॉर्मूले में हम रख करके डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ मास की पोजिशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब तक हमने जो यहाँ पर सोल्व किया है, यानी हमने M1 और M2 डिस्क्रीट मास हम ले रहे हैं, विभक्त मास हम ले रहे हैं, यानी फिक्स है, M1 का कुछ मान होगा, M2 का कुछ मान होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कंटिन्यूस सिस्टम नहीं लिया, जैसे मान लो हमने पूरी बॉडी की बात नहीं की है, वहां पर हमारा फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। यहाँ पर हम अलग अलग जो हमें मास गिवन होंगे, जैसे हमें 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इस तरह से दिया हुआ है, तो अलग अलग जो मासेस हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, किलोग्राम में या ग्राम में जो भी हमें गिवन है। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था, वहां पर हमने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले लिया था, तो मास को भी ग्राम में ही ले लेना, ठीक है। तो ये यहां तक लिख लें, ये हमारा आ गया RCM, सेंटर ऑफ मास की पोजिशन। अब हम N पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं, यहां तक लिख लो इसे, N पार्टिकल्स के लिए अगर हम सोल्व करेंगे तो सिंपल यहां पर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में, अब हम N पार्टिकल्स के लिए करें, इसे हम लिख सकते हैं मेनी पार्टिकल सिस्टम। तो मेनी पार्टिकल सिस्टम के अंदर अपने पास में आ जाएगा कि ये हमने ले लिया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, यहां से कुछ पार्टिकल्स हमारे पास में M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो ये हमारे पास में पोजीशन है अलग अलग पार्टिकल्स की, M1, M2, M3, M4, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। इसमें मान लो N पार्टिकल्स हैं, यहां पर कुछ पार्टिकल्स को हमने शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या हो गया कि जो अलग अलग मासेज हमें गिवन है M1, M2, M3, सो ये आगे हमारे पास इसी प्रकार आ जाएंगे N तक, MN तक। तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास को किस तरह से लिखेंगे, इसकी डेरिवेशन को हम लिखेंगे कि माना N कणों का एक निकाय स्थित है, जिसमें कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1, M2 और इनके जो पोजीशन वेक्टर होंगे, ये हमारा RCM है, ये हो जाएगा R4, R2, R1 और R3,
और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो कणों के द्रव्यमान क्रम से कितने हैं, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम एन है, तथा इनके स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर क्या होंगे, सदिश क्रमशः है आर वन आर टू आर एन है, तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आरसीएम है। ठीक है, हमारे पास में एन पार्टिकल सिस्टम है, इन सबके जो मास है वो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड सो ऑन, ठीक है, और इनके जो पोजिशन वेक्टर है वो आर वन आर टू आर थ्री इस प्रकार है, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका पोजिशन वेक्टर क्या है, आरसीएम है। तो जो डेफिनेशन होती है द्रव्यमान केंद्र की उससे हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से समीकरण ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर सी आई इक्वल टू जीरो। तो समीकरण ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर सी आई इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, समीकरण ऑफ I इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू वन टू एन आर सी एम एम आई। ठीक है, अब जो हमारा एम आई है ये तो क्या होगा, वेरी कर रहा है I इक्वल टू वन टू एन, आर सी एम जो है वो फिक्स है, इसे हम बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, आर सी एम समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई। ठीक है, और आर सी एम इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू वन टू एन एम आई। ठीक है, यानी जो टोटल जो हमारे पास में मास है उन मास इंटू उनके जो वेक्टर्स होंगे वो और अपॉन समेशन ऑफ एम आई यानी टोटल मास। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं आर सी एम इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री ठीक है, और ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर एम एन, इसको भी अगर हम लिखें एम फोर आर फोर तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया आरसीएम यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई एक एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये एन पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारे पास में आ गया आरसीएम इक्वल टू एम वन, या फिर हम लिखें कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, यदि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान एम इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि आरसीएम इक्वल टू एम वन आर वन
RCM इक्वल टू हो जाएगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस का M3R3 प्लस का MnRn डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, RCM आ गया, RCM सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक लिख लें इसे। n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है इसे हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, निर्देशांकों के रूप में, या निर्देशांक जो हमारे घटक हैं उसके फॉर्म में। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्देशांक घटकों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक घटकों के रूप में हमारे पास में क्या जाएगा, ठीक है, निर्देशांक घटकों के रूप में पोजिशन, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फॉर्म में, ठीक है, या उनकी टर्म्स में। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो आरसीएम आया था, आरसीएम इक्वल टू क्या था, M1R1 प्लस का M2R2 इस फॉर्म में था, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो अगर हम क्या करें, हम निर्देशांक घटकों के रूप में कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, ठीक है, किसमें लिख रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है हम ये कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो आरसीएम जो होगा उसको हम क्या लिख लें, आरसीएम को हम लिख लें एक्ससीएम आई के प्लस का YCM JK प्लस का ZCM KK। ठीक है, तो X की पोजीशन क्या होगी, Y का मान क्या होगा और Z का मान क्या होगा, यानी अगर हम बात करें कि हमारा जो द्रव्यमान केंद्र है उसको अगर हम X, Y, Z उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यदि हम वो निकालना चाहें तो हम अलग अलग X, Y और Z को निकाल सकते हैं। हम कणों की जो स्थिति सदिश हैं, इन्हें भी हम क्या कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। R1 को हम XIK, YJK, ZKK
और आर टू को भी इसी तरह जितने भी हमारे पास में पोजिशन वेक्टर्स है उन्हें हम इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्देशांक घटकों में ज्ञात करने के लिए क्या मानेंगे, माना RCM इक्वल टू XCM IK प्लस YCM JK प्लस ZCM KK। तो यहां से अपने पास में आ गया XCM IK YCM JK प्लस ZCM KK। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कणों की स्थिति सदिश ठीक है। इसी प्रकार से कणों की जो स्थिति सदिश होंगे, पोजीशन वेक्टर्स होंगे पार्टिकल्स के, वो क्या हो जाएंगे, आर वन इक्वल टू एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के और आर टू इक्वल टू एक्स टू आई के प्लस का वाई टू जे के प्लस का जेड टू के। और इसी तरह से हम लिख लेंगे आर एन इक्वल टू एक्स एन आई के प्लस का वाई एन जे के प्लस का जेड एन के ठीक है। ये सारे हमारे पास में क्या आ गए, पोजीशन वेक्टर्स आ गए, किसकी फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः XCM इक्वल टू XCM यानी जो आई के डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट है, XCM का मान आ जाएगा M1X1 M2X2 M1 प्लस M2 प्लस MN ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, XCM का मान आ गया। और इसे हम लिख सकते हैं अगर टोटल मास क्या है, यदि संपूर्ण मास M1 प्लस M2 प्लस MN इक्वल टू कैपिटल M हो तो हम क्या लिख सकते हैं, XCM इक्वल टू 1/M समीशन I इक्वल टू 1 to N MI XI ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, XCM का मान आ गया, XCM की वैल्यू आ गई, यानी सेंटर ऑफ मास का जो IK कंपोनेंट है वो आ गया हमारे पास में। इसी प्रकार YCM क्या होगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस का MN YN ठीक है, और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस MN। और इसे हम लिख सकते हैं YCM इक्वल टू 1/M समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N MI YI ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, YCM का मान आ गया। और इसी प्रकार हम ZCM को निकाल सकते हैं, यहां तक लिख लें इसको, ठीक है। ZCM में हमारे पास क्या आ जाएंगे, Z की वैल्यू आ जाएगी M1 Z1
ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। तो इसी प्रकार जेड के लिए क्या होगा, जेड सी एम इक्वल टू एम वन जेड वन प्लस का एम टू जेड टू प्लस का एम एन जेड एन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस प्लस एम एन। ठीक है, यदि हम एक्स सी एम वाई सी एम उसी प्रकार से हम क्या लिख लेंगे, जेड सी एम को, और जेड सी एम हमारा क्या होगा, एम वन जेड वन प्लस का एम टू जेड टू एम एन जेड एन एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन। तो ये हमारे पास आ गया जेड सी एम इक्वल टू वन अपॉन एम समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई जेड आई। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया जेड सी एम। तो जो आरसीएम होगा, आरसीएम के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्ससीएम वाईसीएम और जेडसीएम। तो हमारे पास में पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आर, इसका फंक्शन है एक्स वाई और जेड का। तो इस तरह से हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने के लिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है, पोजीशन निकालनी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, दो मास हमें गिवन है, एम वन इक्वल टू 100 ग्राम और एम टू इक्वल टू 300 ग्राम। ठीक है, और इनके पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं आर वन इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस का 13k कैप और r2 हमें गिवन है माइनस का 6i कैप प्लस का 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो हमें R1 और R2 गिवन है, M1 और M2 हमें गिवन है और हमसे इसमें पूछा है RCM का मान पूछा है। तो RCM को हम कैसे निकालेंगे, चाहे तो हम XCM, YCM, ZCM को अलग निकाल लें या फिर हमारा जो RCM होगा वो क्या होगा, M1 R1 प्लस का M2 R2 प्लस का M3 R3 डिवाइडेड बाय, अच्छा दो ही गिवन है हमें, तो यहां से M1 प्लस M2। तो RCM का मान क्या जाएगा, M1 R1 तो 100 R1 2i के प्लस 5j के प्लस 13k के और M2 R2 हमें गिवन है 300 R2 का मान हमें माइनस का 6i के प्लस का 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 100 प्लस 300। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो RCM का मान क्या आ गया, 200 प्लस i कैप के अंदर 200 और यहां पर क्या हुआ माइनस का 1800। ठीक है, 6×18 तो ये अपना i कैप आ गया प्लस
जेकेट के अंदर आ गया अपने पास में 500 प्लस प्लस का केकेप के अंदर अपने पास आ गया माइनस 600 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो आरसीएम का मान क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारे पास में कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 400। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4i केप, ठीक है, प्लस 17/4 j केप, प्लस का 7/4 k केप। इसको भी चाहे हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास में क्या आ गया, आरसीएम का मान आ गया, जो हमारा सेंटर ऑफ मास था उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी वैल्यू हमारी ये होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हमें m1 m2 और r1 r2 के मान गिवन होंगे और वो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि आरसीएम का मान क्या होगा। और यदि हमें किसी क्वेश्चन में आरसीएम गिवन हो तो हम r1 या r2 अगर कोई गिवन नहीं हो तो उसका मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आरसीएम का पोजिशन वेक्टर पहले लिख लेंगे और फिर हम बाकी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था आरसीएम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें किसी का पोजीशन वेक्टर निकालना हो अगर मास का तो वो भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब हम देखेंगे कि हम और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से।